खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में बड़ा गांव के जंगल में एक युवती को गोली लगने की सूचना रात में एक युवक ने पुलिस को दी। युवक उस वक्त युवती के साथ ही था। गोली लगने से घायल हुई किशोरी के अपहरण का मामला 9 मई को टेकनपुर थाने में दर्ज है। युवती के साथी युवक ने बताया कि दो बदमाश युवकों ने दोपहर के करीब 2:30 बजे गोली मारकर हमला किया है। बदमाश युवकों की गोली युवती के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल हालत में युवती के परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना के बाद युवती के साथी युवक से पूछा कि वह जंगल में क्या कर रही थी, तो वह इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि शाम 7 बजे के बाद युवक हरेंद्र गुर्जर ने सूचना दी कि उसके साथी युवक को अज्ञात हमलावरों ने बड़ा गांव के जंगल में हमला कर गोली मार दी है। तत्काल एसएसपी, एएसपी, सीएसपी बड़ा गांव के जंगल में पहुंचे और वाहनों की हेडलाइट की रोशनी में घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गोली चलने का कोई सबूत या सुराग नहीं मिला। घायल युवती अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। युवक हरेंद्र गुर्जर पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना के बाद किशोरी को मुरार के निजी कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां युवती की हालत बिगड़ने पर शाम के वक्त उसे जयारोग्य अस्पताल रेफर किया गया। घटना का पता लगाने के लिए पुलिस युवक के बयान की तस्दीक कर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। गोली मारने वाले कौन थे, इस संबंध में युवक कुछ नहीं बोल रहा है। युवक पुलिस के पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है। पुलिस को यह भी शक है कि गोली चलाने वाले हमलावर युवती और युवक पक्ष के भी हो सकते हैं। मोहनपुर से बड़ा गांव की तरफ एक हादसा हुआ है, जिसमें कि जो बताया गया है कि एक लड़का और लड़की साथ में थे और लड़की को गोली लगी है, और लड़के के द्वारा ये बताया जा रहा है कि दो लोगों ने गोली मारी है। जबकि ये घटना जिस तरह से वहाँ पर स्पॉट पर देखा गया है, उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये दिन की घटना है और अभी सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी लड़की बोलने की स्थिति में नहीं है और लड़की ने अपना DD भी दिया हुआ है, तो उसको क्या स्थिति आई है वो सब पार्ट ऑफ इंक्वायरी। और इसके अलावा जो परिजन है, इनसे परिजन से ही पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल घटना का कारण का पता लगा रहे हैं। घटना एक्चुअली हुई क्या है, अभी इन सब के बाद ही फिर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जो बच्ची है जिसको गोली लगी है, वो टेकनपुर की रहने वाली है और लड़का यहाँ ग्वालियर क्षेत्र का है। तो अभी सब बारे में भी इनिशियली ये सब पूछताछ चल रही है इसमें, और इंक्वायरी में जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।